हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं बहुत ही आसान रेसिपी जिसको आप फटाफट से घर में बना सकते हैं और घर में रखे सामान से बना सकते हैं, और यकीन मानिए सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। कोकोनट स्विस रोल बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आइए कोकोनट स्विस रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। कोकोनट स्विस रोल बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है एक जार, और जार में हम डाल देंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पे आप फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। 1/4 कप हमने ली है चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 10-15 हमने लिए हैं काजू। अगर आप काजू नहीं लेना चाहते हैं तो आप भीगे हुए बादाम भी ले सकते हैं। अगर आप इलायची फ्लेवर पसंद करते हैं तो 5-6 इलायची भी हम दाने निकाल के जार में ही डाल देंगे। इलायची के दाने हमने निकाल दिए हैं, इनको भी हमने जार में डाल लिया है। अब हम ढक्कन लगा देंगे और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। सभी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। देखिए, सब पाउडर फॉर्म में आ गई हैं। आइए अब हम कोकोनट स्विस रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने सारे मटेरियल को एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हमने लिया है दूध, 3 से 4 चम्मच दूध लिया है हमने, और रूम टेम्परेचर पर है। अब हम इसको बाउल में डालना स्टार्ट करेंगे। ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। देखिए, पहले हमने 3 चम्मच डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी 1 चम्मच दूध हम और डालेंगे। हमने 1 चम्मच दूध और डाला है, और देखिए जो हमारा डो है वो मिठाई के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। घी भी रिलीज होने लग गया है। मैं दिखाती हूँ आपको मेरे हाथों को, देखिए कितना चिकना हो गया है। अभी हम इसको इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि हम आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। कोकोनट स्विस रोल बनाने के लिए हमने डो तैयार कर लिया है। हमने डो को इतना अच्छे से लगाया है कि कोकोनट ने ऑयल रिलीज कर दिया है, और मैंने आपको ऑयल दिखाया है, लगभग 1/4 कटोरी के आसपास ऑयल रिलीज हुआ है। ये हमने अलग निकाल लिया है, हम इसको पराठों के लिए काम में ले लेंगे। डो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हमने लिया है पिंक फूड कलर, जेल फॉर्म में है। अगर आपके इसमें ड्राई है तो भी कोई बात नहीं है। 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें पिंक फूड कलर डाल लेंगे। ये आपको कोई और कलर पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से कलर को हम डो में मिक्स कर लेंगे। कोकोनट स्विस रोल बनाने के लिए हमारे दोनों डो तैयार हैं। आइए रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है जिपलॉक बैग। आप नॉर्मल पॉलिथिन भी ले सकते हैं या फिर आप फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा रोल को हम हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए और एक सा हो जाए। ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें से ऑयल और ज्यादा रिलीज होने लग जाएगा। कोकोनट पाउडर की वजह से जो हमारा डो है ये इस तरह से फट रहा है, पर उसकी आप टेंशन ना करें, बैग में है तो एकदम एक सा हो जाएगा। इसको हमें इस तरह से फैलाना है कि पूरा बैग कवर हो जाए। देखिए, हमने बिल्कुल एक सा इसको बेल लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेला है हमने, पर अभी हम इसको बैग से बाहर नहीं निकालेंगे, बैग को साइड में रख देंगे। दूसरा डो लेंगे और दूसरा जिपलॉक बैग लेंगे। डो को बैग में रख लेंगे और इसको भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। आप चाहें तो पहले थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमने काजू डाले हैं और कोकोनट पाउडर है इसलिए थोड़ा टाइट हो गया है। इस तरह से साइड चेंज करके कर हम इसको भी फैला लेंगे। देखिए, पिंक कलर कितना बढ़िया आया है। देखिए, दोनों डो हमने बेल करके तैयार कर लिए हैं, व्हाइट भी और पिंक भी। अब हम क्या करेंगे, कैंची से जिपलॉक बैग को खोल लेंगे। देखिए, हमने जिपलॉक बैग खोल लिया है, इसी तरह से हम दूसरे जिपलॉक बैग को भी खोल लेंगे। अब तैयार करी हुई पिंक वाली शीट को हम व्हाइट वाली शीट पर रख देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। व्हाइट एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर दिया है। अब हम हल्का सा इस पे बेलन फेर देंगे, ज्यादा नहीं फेरना है और बिल्कुल प्रेस करके नहीं फेरना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें बेलन लगाना है। देखिए, अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करते हैं। हमारा कोकोनट स्विस रोल बहुत ही यम्मी बनने वाला है और बहुत ही सुंदर दिखने वाला बनने वाला है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रोल करें। देखिए, कोकोनट स्विस रोल हमारा कितना बढ़िया लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू और पिस्ता बारीक क्रश किए हुए हैं।
इनको हमने इस तरह से डाल दिया है, इस तरह से रोल कर लेंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से चिपक जाएं। काजू और पिस्ता लगाने के बाद में अब हम इसको जिपलॉक बैग में इस तरह से रोल कर देंगे और एकदम टाइट करके रोल करेंगे। अब हम तैयार किए हुए स्विस रोल को फ्रिज में रख देंगे लगभग एक घंटे के लिए। एक घंटा कंप्लीट हो गया है, हमने तैयार किए हुए स्विस रोल को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। आइए हम इसको खोल लेंगे। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। देखिए हमारा स्विस रोल कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है, कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो फ्रेंड्स आप स्विस रोल रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।